या अल्लाह, ये क्या हो गया? अब मैं कैसे निकलूंगा यहाँ से? असल में मैं तुम्हें आते ही कॉल करने का सोच रही थी, लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम्हें सरप्राइजेस बहुत पसंद हैं। मुझे लगा तुम वहाँ हो। कार्स। हाँ हाँ बिल्कुल। तुम्हारे बात तो मैं टर्किश बोलना ही भूल गई हूँ, बहुत बुरी बोलती हूँ। नहीं, मुझे तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा, और जब तक आप यहाँ हैं आपको आदत हो जाएगी। शायद मुझे टर्किश मेरान ने सिखाई थी। वैसे हम लोगों ने एक दूसरे को बहुत कुछ सिखाया है। वाकई ये तो अच्छी बात है। और हाँ, आज तो वैलेंटाइंस डे है, आप लोग साथ में वक्त गुजारना चाहोगे? मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, क्यों ना हम नीचे साथ कॉफी पीने चलें? बहुत सारी बातें हैं जो मुझे तुमसे करनी है, क्योंकि मैं कल यहाँ से बहुत जल्दी निकल जाऊंगी सुबह। लेकिन उससे पहले तुम वादा करो कि कॉफी में ज्यादा चीनी नहीं डालोगे। कहीं अभी भी कॉफी में ये ज्यादा चीनी तो नहीं पीता? डेनिस, दरअसल हम लोग अभी बिल्कुल फ्री नहीं हैं। हम कल सुबह मिलकर नाश्ता कर सकते हैं, क्या ख्याल है तुम्हारा? ठीक है? मेरान, मुझे चक्कर आ रहे हैं बहुत ज्यादा। मेरान संभालो से। मुझे प्लीज किसी जगह बिठा दो। ठीक है, आओ जरा इस तरफ। तो नहीं नहीं, मेरान इसे कमरे में लेकर जाते हैं, कमरे में जूस भी मौजूद है। नहीं नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ। ले हो मीरान, आराम से। चलो आराम से आ जाओ, यहां के बैठो, आ जाओ। डॉक्टर को बुला लूं क्या? नहीं नहीं, डॉक्टर को बुलाने की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हो जाऊंगी थोड़ी देर तक। मीरान पानी लेकर आओ पहले। ठीक है, मैं भी लेकर आता हूं। फिक्र नहीं करो, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। बहुत शुक्रिया। आराम से। मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ मैं। लिफ्ट इतनी स्लो क्यों चल रही है? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब तुम ठीक हो ना? हाँ, अब मैं बेहतर हूँ, और भी बेहतर महसूस करूंगी अगर ताजी हवा में चलूं तो। अच्छा, मैं नहीं नहीं, मैं कह रही थी कि अगर हम एक साथ बाहर चलें तो तुम लोगों की मदद से चल सकूंगी मैं। हाँ ठीक है, चलो चलते हैं। चलो। अगर फिर भी तबीयत ठीक नहीं हो तो बताना हमें। ठीक हूं मैं।
कार्ड ले लूं मैं, एक मिनट जरा। शुक्रिया रेहान, चलो। वैसे बेहतर हूं अब मैं। वैसे मेरा मकसद आप लोगों के साथ सलाम दुआ करके वापस चले जाना था, मैंने ज्यादा तंग कर दिया और अब तो मुझे भूख भी लग रही है बहुत। अगर तुम चाहो तो हमें ज्वाइन कर सकती हो, हम लोग भी डिनर ही कर रहे थे, है ना मीरा? हो सकता है इनको कोई काम हो। नहीं नहीं, मुझे तो कोई काम नहीं है। हारून, रेयान, आप लोग क्या क्या कर रहे हैं? ब्रदर कैसे हो? तुम हमारा पीछा कर रहे हो क्या? हाँ मीरान, जवाब तो मुझे इस बात का। ब्रदर क्या कर रहे हो? मीरान छोड़ो उसे। रेयान, ये हमारा पीछा कर रहा है। ब्रदर देखो, तुम लड़कियों के सामने अच्छा नहीं कर रहे हो। ब्रदर कहना बंद करो मुझे। मीरान जाने दो उसे। ब्रदर मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं यहाँ पर किसी से मिलने आया था और अब यहाँ से जा रहा हूँ। झूठ मत बोलो, झूठ बोल बोल कर तुम मेरा दिमाग खराब करते जा रहे हो। बताओ यहाँ क्या कर रहे हो तुम? मेहरान रुको, अब हारून तुम लोगों के पीछे नहीं आया, वो मुझसे मिलने के लिए यहाँ आया है। तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो क्या? हारून और मैं, मतलब हम लोग ही इज माई एक्स बॉयफ्रेंड। ये पहले मेरा बॉयफ्रेंड हुआ करता था। मैं, मुझे भी यही कहना था, अगर बोलने देते तो। आप लोग कैसे जानते हो? मतलब तुम दोनों का आपस में कोई रिलेशन है? रिलेशन पहले था लेकिन अब नहीं। जरा इस सिचुएशन को तो देखो, दुनिया में 7.5 अरब लोग हैं लेकिन तुमने ढूंढकर मेरी यूनिवर्सिटी के दोस्त को ही अपनी गर्लफ्रेंड बनाया और आज इसी होटल में ले आया उसे। क्या बात है, इससे बड़ा इत्तफाक नहीं हो सकता। मीरान उनकी बात तो सुन लो। हाँ थोड़ी सी डिफरेंट कंडीशन है लेकिन जैसे तुम्हें बताया है वैसी ही बात है। 3 महीने पहले तक तो हम लोगों का रिलेशन था और मैं तो इसके साथ शादी करना चाहता था लेकिन हम दोनों का माइंड एक जैसा नहीं था इसलिए अलग हो गए। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, उस वक्त मैं किसी रिश्ते के लिए तैयार नहीं थी, डरती थी मैं, जानते हो तुम ये बात। डेनिस, तुम मेरे साथ बात करने के लिए मीडियट आना चाहती थी लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा कि यारिन इस बात को कहीं माइंड न कर जाए और इसीलिए उसके साथ यहां मिलने आया। डेनिस के साथ आखिरी बार मिलने के लिए और उसको लाइफ में बेस्ट विशेस बोलने के लिए, क्योंकि अब मेरी जिंदगी में सिर्फ यारीन है, मतलब यारीन के साथ एंगेजमेंट हो गई है मेरी और मैं नहीं चाहता कि कुछ बुरा हो। लेकिन मैं तुमसे अलग होना नहीं चाहती हूँ। अब बहुत देर हो गई है, मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहता, मेरा तुम्हारा रिलेशन रहा है इसलिए मिलने आया हूँ लेकिन तुमने मुझे अपनी फैमिली की नजरों में ही नीचे गिरा दिया। रायान यारीन की कजन है, रेयान मैं ऐसा लड़का नहीं हूं जो होटल्स में जाकर लड़कियों के साथ मिलता हो। कितने मजे की बात है, मुझे तुम्हारी एक भी बात पर यकीन नहीं आ रहा। पता नहीं क्यों यकीन नहीं हो रहा तुम पर। क्यों? इसमें तुम्हारी अपनी ही गलती है।
तुम मुंह संभाल कर बात करो मेरे साथ, वरना मैं मीरान मुंह तोड़ दूंगा तुम्हारा, समझ गए तुम? मीरान रुक जाओ, रायान प्लीज यारीन को कुछ मत बताना, मैं आपसे माफी मांगता हूं। डेनिस सब कुछ यहां तक था, अब सब खत्म हो गया, बस इंशाल्लाह तुम अपनी जिंदगी में खुश रहो। डेनिस क्या ये सच है कि तुम वाकई उसकी गर्लफ्रेंड थी? ऐसे लड़के से प्यार किया तुमने? मीरान बिल्कुल सही कहा तुमने, मैंने हमेशा गलत लोगों से प्यार किया, उन लोगों से जिन्होंने हमेशा मुझे छोड़ दिया। बिल्कुल तुम्हारी तरह, बिल्कुल तुम्हारी तरह। क्या मतलब है इसका? मुझे माफ कर देना प्लीज, मुझे लगा मीरान ने तुम्हें हमारे बारे में बताया होगा। हम लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, फिर एक दिन मीरान मुझे अचानक छोड़ के चला गया। बहुत मुश्किल दिन थे वो, उसके बाद हारून आया। कहीं हारून भी मेरे साथ वैसा ना करता, मैं बहुत डर गई थी, इसीलिए उसके शादी के प्रपोजल को भी एक्सेप्ट नहीं किया मैंने। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मैंने बहुत देर कर दी, हारून के पास वापस जाने में बहुत देर कर दी मैंने। मैं भी तुम्हारा इंतजार कर रहा था। हाँ नोट रख दिया है। हाँ हाँ नहीं वहां तो कुछ नहीं हुआ, नतीजा ये है मीरान का सामना हो गया। ठीक है काम डाउन, परेशान मत हो, उनको शक नहीं होगा क्योंकि हमने डेनिस के साथ मिलकर एक ड्रामा खेला है उनके साथ। मैं क्या कर सकता हूं? हाँ? ये मेरा मसला नहीं है, डेनिस को तुम लाए, उसे इस खेल में तुमने शामिल किया, और मैंने तो तुमसे कहा था उसको दाखिल मत करो, मैंने तुमसे कहा भी था ऐसा ना करो, और मीरान और रियान के रिलेशन को वो खराब नहीं कर सकती। मैं जानता हूं मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मैं नहीं भूला, इस वक्त लड़ाई करने का टाइम नहीं है, बल्कि किस तरह इस मसले का हल निकालना है ये सोचो। मैं उसके लिए एयरपोर्ट जा रहा हूं, इसलिए मुझे फोन बंद करना होगा, लेकिन अभी यहां कुछ भी हो सकता है, और अभी मिदियात ना पहुंचा तो बहुत कुछ बुरा हो जाएगा। मसले खत्म नहीं होते, यारीन के साथ शादी के टॉपिक का कुछ करना होगा, वरना ये याद रखो तुम्हारी वजह से उसी घर का दामाद बन जाऊंगा मैं। चलो ठीक है मैं कॉल करूंगा। क्या जो कुछ इसने कहा वो सच है? रियान प्लीज मेरी बात तो सुनो, मैं उसका बॉयफ्रेंड नहीं था, बस कुछ दिनों तक ही साथ थे हम। लेकिन उसकी बातों से तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगा, उसकी तुर्किश तो मुझसे भी ज्यादा अच्छी है, साफ नजर आ रहा है कि बहुत फुर्सत में सिखाई गई है उसे। एक मिनट रियान, मेरी दुनिया की सबसे प्यारी वाइफ एक लड़की से जेलस हो रही है क्या?
मुझे इसलिए बुरा लग रहा है क्योंकि तुमने मुझे ये सब नहीं बताया। रियान, रियान, प्लीज ऐसे मत बोलो। हम लोग आशिक नहीं थे, ऐसा कुछ भी नहीं था, यकीन करो। तुम्हें उसकी बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए, प्लीज। बिल्कुल भी आशिक नहीं थे। और जब तुम मेरे साथ, कहा तुम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, तुमने ये क्यों छुपाया कि तुम्हें मुझसे पहले भी किसी से मोहब्बत थी? हां, छुपाया क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हारा आशिक हूं, और आज तक इतनी मोहब्बत किसी से नहीं की मैंने, मेरा यकीन करो। रियान, तुम प्लीज किसी भी ऐसी बात पर परेशान मत हो, ये बहुत पहले की बात है। हमें आज की इस प्यारी रात को खराब नहीं करना चाहिए। प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो। हम एक यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे और दोस्त थे, बस और कुछ नहीं। प्यार मोहब्बत वाली कोई बात नहीं थी हमें। हमने कभी शादी की बात तक नहीं की, और ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा, वो भी ऐसे ही कहती थी। मुझे तो समझ नहीं आ रहा उसकी बातों पर यकीन क्यों कर रही हो तुम। मैं सफाई क्यों दे रहा हूं? मैं आज की रात को बहुत खास बनाना चाहता हूं। आई एम सॉरी। ऐसा ही हुआ है। आई एम सॉरी अगर तुम्हें मेरी कोई बात बुरी लगे तो। आज की रात मैं वाकई नहीं भूलूंगी तुम्हारी एक्स। वो लड़की मेरे लिए कुछ भी नहीं थे रियान। मेरी सिर्फ एक ही मोहब्बत है, रियान। प्लीज तुम परेशान मत हो, और इस बात पे तो बिल्कुल नहीं। मेरा यकीन करो, इस बात में कोई सच्चाई नहीं है रियान। मैं नहीं चाहता इस बात को तुम याद भी रखो। प्लीज नाराज मत हो। रियान प्लीज रुक जाओ। नहीं हूं नाराज, बस यह है कि जब तुम मेरे बारे में हर बात जानते हो तो तुमने मुझसे अपना माजी क्यों छुपाया? मैं कुछ नहीं छुपा रहा तुमसे रियान, प्लीज। तो ये सब क्या है? सच कहूं तो इस बात को इतना जरूरी समझता ही नहीं था मैं, यकीन करो, बिल्कुल भी नहीं। दूसरों को अपनी वो बातें बतानी चाहिए जो कम से कम बताने वाली तो हो, और ये तो कुछ भी नहीं है। और ये बात सिर्फ मैं अपने लिए नहीं कर रहा, उसके लिए भी कर रहा हूं, यकीन करो मेरा। मतलब हमें कुछ भी ऐसा वैसा नहीं था रियान, यकीन करो। अगर कुछ सीरियस होता तो मैं तुम्हें जरूर बताता। मैं कभी भी तुमसे कोई भी बात छुपाना नहीं चाहता, और मैं तुमसे वादा करता हूं आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। जो बात बताने वाली होगी तो मैं जरूर बताऊंगा। लेकिन क्या तुम्हें आज का इत्तेफाक अजीब नहीं लग रहा? मेरा मतलब है हारून और उसका यहां साथ होना। उन्होंने सब कुछ तो बताया है, इसमें अजीब क्या है? वो हमें यहाँ पर मिली तो एक इत्तेफाक था, लेकिन हारून मिला तो फिर वो इत्तेफाक इत्तेफाक ही नहीं रहा। मान लेते हैं हारून झूठ बोल रहा है, तो क्या वो लड़की भी झूठ बोल रही है? देखते हैं, चलो मेरे साथ आओ। मीरान कहाँ जा रहे हैं? कहाँ ले जा रहे हो? ये तुमने क्या कर दिया डेनिस? मेरा शुक्रिया ऐसे अदा करोगे? तुम्हें बचाया है मैंने। कहां से बचाया तुमने? तुमने हम दोनों को उसके आगे डाल दिया। अब इन सारी बातों को छोड़ो तुम, और आगे क्या करना है इस बारे में बात करनी चाहिए अब हमें। अब क्या बात करनी है, और अभी बचा ही क्या है? हमारा एग्रीमेंट बस यहीं तक था। मैंने तुम्हें एक मौका दिया था अपना बदला लेने का, लेकिन तुम उसका फायदा नहीं उठा सकी। मैं यहाँ अमेरिका से उसकी बीवी को ये बताने के लिए नहीं आई हूँ कि मैं उसकी एक्स गर्लफ्रेंड थी। इतने सालों बाद अगर वो मुझे मिल ही गया है तो बदला तो मैं लेकर रहूंगी उससे, जिसकी वजह से वो मुझे छोड़ कर गया था। इधर देखो, जो करना था तुम कर चुकी हो। क्या करना था, कैसे करना था, टाइम खत्म हो चुका है, समझी तुम? और एग्रीमेंट यहीं तक था, और अब चली जाओ यहाँ से। तुम्हारे साथ मेरा काम खत्म हो चुका है। हाँ, उसके साथ अभी तक मेरा काम खत्म नहीं हुआ है।
और कब और कैसे करना है मैं करूंगी इसका फैसला। हो सकता है कि एक दिन मैं तुम्हें फोन करके कहूं कि हाँ रोन, मैं मर्दन एयरपोर्ट पर पहुंच गई हूं, मुझे आके रिसीव कर लो। हो सकता है ऐसा। बिल्कुल डेनिस, तुम ये बात नहीं जानती कि तुम किसके साथ खेल रही। अगर मैं तुम्हारी जगह पर होता तो सब कुछ छोड़कर यहां से दूर चला जाता। और हां, आगे जाकर तुम्हारे साथ क्या हो सकता है ये सोचना भी मत। हमें हारून का पीछा करने की क्या जरूरत है? मुझे समझ नहीं आ रहा तुम्हें यकीन क्यों नहीं आ रहा। रिसेप्शन पे भी यही इन्फॉर्मेशन है कि वो लड़का यहाँ पर नहीं रह रहा। और क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए तुम्हें? रियान, कोई ना कोई बात जरूर है, मुझे उस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है। क्या तुम्हें बिल्कुल भी अजीब नहीं लग रहा जो आज हुआ? इतने सवाल तो मैंने भी नहीं किए हैं अभी तक। जब मैं इस बात को मान रही हूँ कि उस लड़की का मिलना एक इत्तफाक था, तो तुम क्यों नहीं मान सकते? तुमने जब से हारून को देखा है तुम्हें वो एक आंख नहीं भाता है, और अब तुम कोई वजह ढूंढ रहे हो कि खुद को सही साबित कर सको। असल मसला हारून नहीं है मीरान। तो क्या डेनिस है? ऐसे मत कहो। मैंने ऐसा कब कहा? रियान, जब भी मैंने तुमसे माजी के बारे में कोई बात की तुमने टॉपिक बदल दिया। आज कोई और मुझे बता गई कि तुम्हें कैसी कॉफी पसंद है, तुमने कहाँ पढ़ाई की है। अपने इंतकाम के अलावा मुझे और कुछ भी नहीं बताया तुमने। क्या अब हम कोई और बात करें? ठीक है, आज रात हम दोनों के लिए बहुत खास है। मैं नहीं चाहता कि ऐसे गुजरे। आज के दिन सब कुछ इस कमरे से बाहर रख देते हैं। सिर्फ तुम और मैं हूं, हमारा प्यार हो। आज एक अनजान लड़की की बातों ने मुझे एहसास दिलाया कि मैं अपने शौहर को बिल्कुल नहीं जानती। तुम्हें अंदाजा भी है मुझ पे क्या गुजर रही है? जानता हूं मैं रियान, तुम्हें समझ सकता हूं। मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, लेकिन इस वक्त नहीं। क्योंकि इस वक्त तुम बहुत प्यारी लग रही हो। अब अगर तुम मुझे जान सकते हो, तो क्या मैं तुम्हें तुम्हारा गिफ्ट दे सकता हूं? ये क्या? क्या मेरे लिए कुछ लिख के लाए हो तुम? ये इसके अंदर ही था रियान। अगर तुम पता लगाना चाहते हो कि इंतकाम कैसे शुरू हुआ, तो अपनी अम्मी की दोस्त को ढूंढो और इस नोट को मेरी तरफ से वैलेंटाइन का गिफ्ट समझो। फिर से एक नोट, और इस दफा मेरे लिए आई है। कौन है ये लोग? कौन है ये आखिर? ये कैसे हमारा पीछा करते हैं? कैसे पता चलता है कि कहां पर हैं हम लोग? समझ नहीं आ रहा, पागल हो जाऊंगा मैं। ठीक है, संभालो खुद को, परेशान नहीं हो। इस होटल में कोई ना कोई है तो हमारा पीछा कर रहा है। रियान रुक जाओ, क्या करोगे तुम? रियान मैं अभी नहीं रुक सकता। जिसने भी ये नोट भेजा है वो यकीनन अभी इस होटल के अंदर ही होगा, और मैं नहीं रुक सकता। मीरान, दादा जान, मैंने ये तस्वीर पहले भी कहीं देखी थी, वैसे ही तस्वीर आपके पास भी है। तुमने कहाँ देखी है ये तस्वीर? जब मैं मीरान भाई के घर गई थी, वहीं देखी। वही औरत जो गुस्सा करती है, उनके कमरे में देखी। गुल का वहाँ ये तस्वीर देखना बहुत कुछ सोचने पे मजबूर कर रहा है मुझे। गुल बहुत छोटी है, उसे गलतफहमी हुई होगी, ये भी नहीं कह सकता। इसके पीछे जरूर कोई राज छुपा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि आयशा और अजीज का आपस में कोई ताल्लुक है। वही ताल्लुक समझ नहीं आता। मैं पागल ना हो जाऊं कहीं।
शायद वो आयशा की रिश्तेदार भी हो सकती है। आयशा का कोई रिश्तेदार नहीं था, ये तुम भी जानते हो। उसके जो बहन भाई थे मर गए थे उस आग में। अगर आयशा और अजीजा की रिश्तेदारी होती तो मुझे जरूर पता होता। ठीक है, और वो तस्बीह तुमने देखा था, अजीजा घबराई हुई थी। और उस तस्बीह पर ए लिखा हुआ था, बिल्कुल वैसी ही तस्बीह जैसी तुमने आयशा को दी थी। मुझे नहीं मालूम, तुम्हारे ख्याल से नसु, ये सब कुछ इत्तफाक है। सही कह रहे हो तुम, इतना कुछ इत्तफाक नहीं होता। हमें पता लगाना होगा कि हर मामले के पीछे वो औरत क्यों है। खिजर ने बताया था कि असलान बे बनने से पहले वो औरत असलान बे वालों के घर काम किया करती थी। खिजर से बात तो करो, शायद कुछ पता लग जाए। नहीं, खिजर से इसका जिक्र भी मत करना। कहीं इस राज का पता लगने के बजाय हमारा ही राज सामने आ जाए। हम लोगों ने किचन का प्लान ऐसे बनाया है, उसके साथ कॉरिडोर को भी अटैच करने का सोच रहे हैं, और ऊपर सिटिंग अरेंजमेंट। जी हाँ, अच्छा मंसूबा बनाया है आपने। हाँ, टेरेस पे जो सिटिंग अरेंजमेंट है उसके बारे में तो आप ही बताएंगे। माफ कीजिएगा। हाँ हाँ, ओके जी बाबा। जान, मुझे कुछ पूछना था तुमसे। कार्स में हमारी कॉटन फैक्ट्री थी ना, उसमें जो काम किया करता था ना बख्तियार उस्ताद, उसे जानते हो ना? जी जी जानता हूँ बाबा, क्या हुआ? कुछ दिन पहले मेरा पूछ रहा था, मेरे पास उसका फोन नंबर नहीं है, उसका नंबर चाहिए। सोच रहा हूँ फोन करके उसकी खैर खैरियत ले लूँ। ठीक है बाबा, ठीक है, मैं पता लगाकर आपको बताता हूँ। जी जी बाबा, ठीक है ठीक है। हाँ तो हम क्या डिस्कस कर रहे थे? असलान पे जिस जगह को भूल चुके हैं, आप शादलो उसी जगह पे फोकस कर रहे हैं। क्या बात है आपकी। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत शुक्रिया, आपसे मिलकर खुशी हुई। जहान हांदान, हांदान तुम यहाँ क्या कर रहे हो उसके साथ? क्या मतलब क्या कर रहा हूँ? कौन है ये? किसकी बात कर रही हो? अच्छा, ये इंजीनियर हैं, हमारे साथ काम करती हैं। इंजीनियर है लड़की? तुम झूठ बोलोगे और मैं मान लूंगी, सच बताओ कौन है ये औरत? हांदान ये क्या बदतमीजी है, क्या कर रही हो तुम? बदतमीजी कर रही हो? और जो तुम बदतमीजी कर रहे हो, सारा दिन मैं घर में रोती रहती हूँ, इतनी परेशानी घर में फैली हुई है, और तुम इस औरत के साथ यहाँ पर बैठ के चाय पी रहे हो, मजे कर रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, तुम्हें जरा सा मेरा ख्याल नहीं आया? मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करती हूँ, कभी ख्वाब में भी नहीं सोच सकती थी कि तुम मेरे साथ भी कर सकते हो। हांदान मेरी बात तो सुनो, तुम जो समझ रही हो वो गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी मुझे। हांदान जो तुम समझ रही हो ऐसा कुछ नहीं है, आराम से चलो प्लीज, गिर जाओगी तुम। ये क्या कर रही हो? तुम जानते हो क्या हुआ है मुझे? तुम्हें जरा ख्याल नहीं आया जहाँ तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं घर में पड़ी रोती रहती हूँ और तुम होटल के अंदर उस औरत के साथ मजे कर रहे हो, एंजॉय कर रहे हो। तुम यहाँ क्या देख रहे हो? हाँ हांदान, तुमने पहले ही मुझे उस औरत के सामने जलील करवा दिया और अब मुझसे इस तरह से तुम बात कर रही हो? हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं, काम। जलील मैंने करवाया है तुम्हें? तुमने खुद को खुद जलील किया है। देखो हांदान, तुम प्रेग्नेंट हो इसलिए मैं तुम्हें कुछ कह नहीं रहा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम पागल हो जाओ, जो दिल में आए वो कहती फिरो। मैं पागल हूँ? कल तुम मुझे अकेले छोड़कर आ गए थे जहाँ शादोलो, इतने साल हो गए हमारी शादी को और तुमने पहली बार इस तरह की हरकत की है। प्रेगनेंसी में मेरे साथ नहीं हो बल्कि यहाँ उस औरत के साथ हो, ऊपर से एलिफ के साथ हो मेरे खिलाफ जाकर। ला हौल वला, तुम अब भी एलिफ की बात कर रही हो, उस एलिफ की जिसकी हमारे बेटे से शादी हो चुकी है और वो हमारी बहू है। पहले एक बात सुनो कि एलिफ मेरी कुछ नहीं है, मेरी बहू नहीं है वो। चलो ठीक है, ऐसे ही करते रहो जहाँ जादोलो, तुम मुझे नीचे दिखा के क्या साबित करना चाहते हो? करते रहो जो दिल चाहेगा। गाड़ी का दरवाजा खोलो, अब क्या करूँ इस औरत का। जल्दी मेरी गाड़ी लेकर आओ, जल्दी।
आजाद, अंदर आ जाओ तुम, मैंने चेंज कर लिया। आजाद, तुम परेशान मत हो, मैं वैसे भी इस बात पर यकीन रखती हूं कि सब कुछ एक दिन में ठीक नहीं हो जाएगा। देखो, मैंने तुम्हें डिनर पर इसीलिए कहा था कि मैं समंदर के किनारे जाना चाहता हूं, कि शायद तुम्हें वहां अच्छा लगे। हाँ, मौसम थोड़ा गर्म हो जाए फिर चलेंगे। जहां तुम खुद को अच्छा फील करोगी हम वहीं चलेंगे। गुड नाइट। गुड नाइट। मैं पागल हो जाऊंगा रेयान, हर कोई खेल रहा है हमारे साथ, कभी नोट्स कभी कुछ और, आखिर ये हो क्या रहा है हमारी लाइफ में? मीरान, तुम बिला वजह परेशान हो रहे हो जबकि कोई बात नहीं, हमने एम्प्लॉयज से भी पता किया है, उन्होंने भी कुछ नहीं देखा, होटल के ओनर तक से तो तुमने बात कर ली है और रिकॉर्ड्स में भी कुछ नहीं मिला, वो लोग पीछे को सबूत छोड़ते ही नहीं है, क्या कर सकते हैं अब हम लोग? नहीं, मेरे ख्याल से हमें वापस जाना चाहिए, वहां जाकर मैं लोगों को ढूंढ कर निकालूंगा। हेलो, टिकट्स अरेंज हो गया क्या? मतलब नहीं मिले, जो मर्जी करो, कोई प्राइवेट जेट अरेंज करो, जल्दी बताओ मुझे, कुछ भी करो लेकिन हमें जल्दी से वापस पहुंचना है, जल्दी। ठीक है ठीक है। ओह, क्या हुआ? होना क्या है, कुछ नहीं, कल तक इधर ही है, टिकट्स नहीं मिल रहे, वेदर कंडीशंस की वजह से कोई प्राइवेट जेट भी अवेलेबल नहीं है, वरना उस पर चले जाते, कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। ठीक है, परेशान मत हो, कल तक हम चले जाएंगे। नहीं, कल नहीं हो सकता रेहान, कल बहुत देर हो जाएगी, अगर किसी ने अम्मी की इस दोस्त को हमसे पहले ढूंढ लिया तो क्या होगा? कहीं तुम्हें ये डर तो नहीं है कि तुम्हारी दादी जान ने एक नया प्लान बना लेंगी? चाह के भी कुछ नहीं कर सकते हम। हेलो खिजर साहब। क्या हुआ मीरान? मुझे आपकी मदद चाहिए, यहाँ कुछ अजीब हो रहा है। हम लोगों को एक और नोट आया है, यहाँ होटल में हमारे कमरे में, अंदर आकर रखा किसी ने। क्या मतलब, ऐसे कौन आ सकता है, क्या लिखा है उस पर बताओ? यही कि ये इंतकाम कैसे शुरू हुआ, अगर जानना चाहते हो तो अपनी अम्मी की बेस्ट फ्रेंड को तलाश करो, जिसको सब रास पता है। अम्मी के दोस्त? हाँ, अम्मी की दोस्त।
आपके जहन में कोई नाम है क्या? मेरा मतलब मीरान, हम लोगों के बस कुछ ही दोस्त थे। मसलन एक लड़की थी आइला, आइला तुम्हारी अम्मी के सबसे करीबी दोस्त। हो सकता है उस नोट पर उसका जिक्र हो रहा हो, लेकिन मुझे नहीं पता इस वक्त वो कहाँ होगी। लेकिन कुछ भी हो जाए हम लोगों को ढूंढना होगा, ज्यादा वक्त नहीं है हमारे पास, समझे इस बात को प्लीज। और आपको अब कुछ करना होगा क्योंकि हम फिलहाल मौसम की वजह से वहां नहीं पहुंच सकते। तुम्हें कौन सी बात परेशान कर रही है? मुझे बस इस बात का डर है कि किसी और ने उनको ढूंढ लिया तो क्या होगा। अगर हमसे पहले किसी ने ढूंढ निकाला, हमें जो कुछ भी उससे पता लगाना है वो उसे धमकी देकर चुप करवा देगा, है ना? हाँ, इसलिए मैंने आपको फोन किया। जल्द से जल्द हमें उनको ढूंढना होगा और इस वक्त सिर्फ आपको कुछ करना होगा। हो सकता है नानी अम्मी किसी दोस्त को जानती हो, उनकी तरफ से भी इसी दोस्त का नाम आए, तो कोशिश करें इनको जल्दी ढूंढें प्लीज। मैं समझ गया बेटा, समझ गया हमें। ठीक है, मैं अभी तो नहीं जा सकता, काफी देर हो गई, तुम्हारी दादी को शक हो जाएगा। लेकिन सुबह जल्दी चला जाऊंगा शुक्रान आंटी से मिलने, आहिला का एड्रेस सुबह पूछूंगा मैं उनसे, लेकिन हम ढूंढ निकालेंगे उसे, तुम परेशान मत हो। ठीक है, बताइएगा मुझे भी। ठीक है। हेलो आसमा, प्लीज माइंड मत करना, मैं तुम्हें इस वक्त फोन कर रहा हूँ। क्या तुम इस वक्त फ्री हो? हाँ फ्री हूँ, बोलो कुछ हुआ है क्या? नहीं कोई खास बात नहीं है, लेकिन एक बात पूछनी थी तुमसे। सब खैरियत तो है ना? देखो दिलशाह, मतलब दिलशाह, शादी होने के बाद उसकी कोई दोस्त थी क्या, करीबी दोस्त जो हवेली आती जाती रही हो? तुम जानती हो किसी को? नहीं मैं नहीं जानती, और वैसे भी अजीजा खानम उसको किसी से मिलने नहीं देती थी। हाँ मैंने भी ऐसे ही सोचा था, लेकिन सोचा तुमसे पूछ लूँ। ठीक है ठीक है, शुक्रिया। वैसे तुम क्यों पूछ रहे हो, कुछ हुआ है क्या? नहीं नहीं सब कुछ ठीक है, मैं बस इसलिए पूछ रहा हूँ अगर उसकी कोई ऐसी दोस्त है तो हो सकता है उसे कोई मदद मिल जाए। चलो ठीक है। लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, तुम परेशान मत हो, गुड नाइट। हमदान, हमदान खैरियत है? इस वक्त तुमने ये क्या हाल बनाया हुआ है अपना, क्या हुआ? होना क्या है भाई, आप लोगों के इंतकाम और इस घर के मसलों की वजह से मैं और जहान हमेशा लड़ते रहे हैं, और आज भी यही हुआ है। जिहान मैं तुमसे मिलने ही आ रहा था, क्या कर रहे हो तुम? जिहान जाओ अपनी बीवी से बात करो, जाओ दिलजीत तो उसका, गलत कर रहे हो तुम उसके साथ। देखिए मैं जाकर बात तो कर लेता, लेकिन इस वक्त मैं बहुत गुस्से में हूँ। तुम दोनों तो ऐसे कभी भी नहीं थे, क्या हो रहा है तुम लोगों को, इतने दूर क्यों हो गए हो तुम लोग, क्या मसला है तुम दोनों का? भाई मसला ये है कि वो एलिफ को यहाँ से भेजना चाहती है, वो कहती है कि वो उसे मारना चाहती है क्योंकि वो हमारे दुश्मन की बेटी है, और पहले जब वो खुद उसे बहू बनाना चाहती थी तब दुश्मन की बेटी नहीं थी वो। तुम उस पर गुस्सा हो रहे हो, लेकिन वो भी माँ है, उसका भी सोचो भाई खुदा के लिए। जिहान वो एक माँ है, परेशान होती है इंतकाम के नाम से, तुम उसको समझाने की कोशिश करो, वो अपने बेटे के बारे में फिक्रमंद है। ठीक है तो फिर मैं क्या करूं, जरा इस घर को तो देखें, हर कोई परेशानी में मुब्तला है। हाँ जानता हूं इस घर का हर फर्द परेशान है बस इंतकाम की वजह से। देखें भाई मैं आपका दिल नहीं तोड़ना चाहता। नहीं सही बोल रहे हो तुम, ऐसी ही बात है, मैं जानता हूं हम लोग तो क्या हमारे बच्चे भी इंतकाम की वजह से किस हाल में पहुंच गए। हमदान बिल्कुल सही है, वो अपने बच्चों के बारे में सोच रही है,
देखो एक बात हमेशा याद रखना, तुम मेरे भाई हो, मेरी जान हो, आजाद भी मेरे बेटे की तरह है। तुम जानते हो, मतलब ये कहना चाहता हूं कि मैं अगर मेरे बस में होता कि मैं इस इंतकाम को खत्म कर सकूं, तो क्या तुम मेरी मदद करोगे? भाई कैसी बातें कर रहे हैं, मैं हर वक्त आपके साथ हूं, हर जगह चलूंगा आपके साथ। तो फिर मेरी मदद करो जान, हम दोनों इस इंतकाम को खत्म करेंगे, अपने बच्चों के लिए करेंगे, हम दोनों को मिलकर कोशिश करनी होगी। ठीक है भाई, ठीक है, बिल्कुल ठीक ठीक है, लेकिन ये कैसे होगा?